नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा, तो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये यदि पीडीएफ आपके पास नहीं है तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नैन क्लासेस का टेलीग्राम में मिल जाएगा, या आप हमारे ऐप में यदि ज्वाइन हो नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप, तो वहाँ भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव टू इक्वेशन, इसको पढ़ लो आप, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। इतना पढ़ के इतना डरना नहीं है। यहाँ देखो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, हिंदी में विशिष्ट रूप का परिणाम। तो देखो बाबू, हिंदी वाला तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा, बाबू हिंदी वाला बच्चा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा था हिंदी में अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन का हिंदी क्या पढ़ा था वो? अद्वितीय हल, जिसका कोई दूसरा हल ना हो। लेकिन यहाँ विशिष्ट रूप का हल बोल दिया, इसीलिए मैं शुरू से बोलता हूँ हिंदी मीडियम वाले को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश वाला ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा तो इंजीनियर बनोगे, इंग्लिश में ही सारा पढ़ना रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर समझो बाबू, आप 10 क्लास में पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि ए वन बाई ए टू यदि बराबर नहीं होगा बी वन बाई बी टू के, तो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। मैथ इसी का बनेगा, है ना? इसका ग्राफ होगा ऐसे, क्रॉस होगा, ग्राफ कटेगा, है ना? ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो देखो तो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन देखो पहला ही है, मार दो टिक। क्लियर? अच्छा देखो, तो तीनों बराबर है तो क्या होता मालूम है? तीनों बराबर होता है तो ग्राफ उसका एक लाइन का होता है, को इंसिडेंट और अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये वाला कंडीशन बताओ तो, सी वाला कंडीशन क्या होता है? दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ होता है पैरेलल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है बाबू, ग्राफ इसका क्या होता है? पैरेलल होता है, और ये नो सॉल्यूशन होता है। माथा पटक कर मर जाओ, अपना नहीं मास्टर साहब का, फिर भी मैथ नहीं बनेगा ऐसा अगर दे देगा तो, नो सॉल्यूशन वाला। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को सिखाना नहीं, कंसेप्ट भी देते जाना, चैप्टर वाइज सिखाते भी जाना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्व करा रहा हूँ, सीखते भी जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना? चलो अब हम लोग सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गिव टू इक्वेशन, इसमें बोल रहा नो सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग देखे थे नो सॉल्यूशन में दो गो होना चाहिए बराबर, ए वन बाई ए टू बराबर होना चाहिए बी वन बाई बी टू के, अब बराबर नहीं होना चाहिए सी वन बाई सी टू के। इसका ग्राफ होता है पैरेलल, तो ग्राफ पैरेलल ग्राफ कटेगा ही नहीं, तो एक्स वाई का वैल्यू आएगा नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन देख लो यहाँ पर सी नंबर। क्लियर? प्रैक्टिस टाइप करने के लिए दिया हुआ है बाबू, एक क्वेश्चन समझो कि एग्जाम में आया हुआ है और दो क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा में देखो बोल रहा है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, तीनों बराबर होना चाहिए। देखो बाबू ये वाला बी नंबर हो गया, तो ये कंडीशन एकदम ध्यान रखना बाबू। पहला कंडीशन, जब कोई बराबर नहीं हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब दो को बराबर हो, बी वन बाई बी टू बराबर हो, अब बराबर सी वन बाई सी टू नहीं हो, तो होगा मेरा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये लिस्ट आप बना लेना। और तीसरा, जब तीनों बराबर हो, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू बराबर हो सी वन बाई सी टू, तो मेरा होगा, बहुत सारा आंसर हो सकता है बाबू, इन्फिनेटली मैंने सॉल्यूशन। आप मेरा चैप्टर वाला वीडियो देख लेना, पूरा इसको डिटेल में बताया हुआ है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर चार में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है? एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन उसका पैरेलल है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन क्या दिया हुआ बाबू, यहाँ देखो तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x
माइनस थ्री वाई प्लस सेवन बराबर जीरो दिया हुआ है, और हमको चाहिए पैरेलल। तो पैरेलल वाला केस अभी देखे थे ना, क्या होना चाहिए, ए वन बाई ए टू बराबर होना चाहिए बी वन बाई बी टू, अब बराबर नहीं होना चाहिए सी वन बाई सी टू, यही ना होता है पैरेलल। तो देखो बाबू, देखो तो ये दो है, तो यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, यानी वन बाई टू, तो थ्री बाई सिक्स होना चाहिए। देखो ये दो है और हर जगह नीचे में देखो फोर एक्स है, फोर एक्स है, फोर एक्स है, तो ए वन बाई टू मतलब क्या, ऊपर एक्स नहीं लिखा जाता बाबू, यहाँ टू है और यहाँ लिखोगे यदि फोर तो क्या आएगा, वन बाई टू आएगा। तो बी वन बाई बी टू भी वन बाई टू आना चाहिए और सी वन बाई सी टू वन बाई टू नहीं आना चाहिए, यही है ना बाबू, क्लियर। तो यहाँ देखो बाबू, इसमें दो बाई चार वन बाई टू, माइनस थ्री है ये भी माइनस, माइनस माइनस कट गया, थ्री बाई सिक्स यानी ये भी वन बाई टू, और सेवन बाई वन बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब दो को बराबर हुआ तीसरा बराबर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लियर है। लेकिन इसमें अगर देखोगे बाबू ये सी वाला ऑप्शन, तो ये टू बाई फोर वन बाई टू, थ्री बाई सिक्स वन बाई टू, और सेवन बाई माइनस वन ये भी हो जा रहा है, तो इसमें आंसर ए और सी दोनों हो जा रहा, तो मिस्टेक से है बाबू ऐसा, है ना, तो एक कोई भी ले लेना बाबू। हाँ चलो, मिस्टेक है थोड़ा सा, ऑप्शन में दो दो आंसर हो जा रहा है, ए भी और सी भी। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है, इसमें भी पैरेलल बोल रहा है बाबू, तो दो है और हर जगह देखो यहाँ छः, यहाँ छः, यहाँ छः, यहाँ चार है, तो दो बाई छः करोगे तो वन बाई थ्री होगा, तो थ्री बाई नाइन होना चाहिए, तब ना होगा वन बाई थ्री। देखो बाबू, आपको हर हालत में ए वन बाई ए टू बराबर लाना है बी वन बाई बी टू, हर हालत में, तो ये टू एक्स है, यहाँ लोगे अगर सिक्स एक्स, तो दो एक्स तो लिया नहीं जाता बाबू, तो दो बाई छः वन बाई थ्री हुआ, तो थ्री बाई फोर क्या बराबर होगा, नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। बी चेक करो, यहाँ देखो ये माइनस में है और यहाँ ही प्लस में, कभी भी बराबर होगा, नहीं होगा। सी वाला चेक करो, दो बाई छः यानी वन बाई थ्री, माइनस यहाँ है, माइनस नहीं बाबू प्लस ही है, प्लस ही है, देखो यहाँ प्लस ही है, है ना, लेकिन यहाँ देखो बाबू, इसमें देखो पंद्रह बाई तीस करते ना, तो ये भी वन बाई टू आ जाता, ये वन बाई थ्री, ये वन बाई थ्री, ये वन बाई टू, तो दो को बराबर तीसरा नहीं बराबर, यानी बी ही होगा बाबू आंसर। इसमें चेक करो, दो बाई छः वन बाई थ्री, तीन बाई नौ वन बाई थ्री, पंद्रह बाई पैंतालीस वन बाई थ्री, तीनों बराबर हो जा रहा है, तो ये तो बाबू कौन वाला होगा, एक लाइन वाला ग्राफ हो जाएगा। ये वाला चेक करो, दो बाई चार यानी वन बाई टू, तीन बाई छः यानी वन बाई टू, पंद्रह बाई तीस यानी वन बाई टू, तो ये भी एक लाइन वाला हो जाएगा, आंसर इसका बी ही है बाबू। मैं यहाँ इसको माइनस सोच गया था इसलिए इसको नहीं बोल रहा था, ठीक है, चलो मिस्टेक एकदम माइनस प्लस ध्यान से देखना बाबू। छठा नंबर देखो तो बाबू, कोइंसाइड बोल रहा है, कोइंसाइड मतलब इसी पे, मतलब एक लाइन होना चाहिए, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, ए वन बाई ए टू बराबर होना चाहिए बी वन बाई बी टू बराबर होना चाहिए सी वन बाई सी टू। सुनो बाबू, जो मेरा ये पहली बार देख रहा है ये आंसर की वाला, उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा अभी, क्लियर, ये चैप्टर को देख लो आप अच्छे से, पहले बना हुआ चैप्टर थ्री लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इसका देखो तो बोल रहा कौन सा ऑप्शन कोइंसाइड करेगा, यानी ये तीनों जो है बाई में करोगे तो एकदम बराबर होना चाहिए, तो छठा का देख लो बाबू ऑप्शन, यहाँ देख लो छठा का तीन है, हर जगह छः 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 नौ, यहाँ नौ है बाबू, हाँ हमको तीनों बराबर चाहिए, तीन बाई छः यानी वन बाई टू, ये माइनस में ये प्लस में कभी बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ ये माइनस में है, तो ये तीन बाई छः वन बाई टू, ये माइनस चार माइनस आठ वन बाई टू, ये देखो आठ प्लस में है और ये माइनस में है, बराबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, है ना, देखो तो ये छः है तो थ्री बाई सिक्स वन बाई टू, माइनस फोर और माइनस एट माइनस में कट गया, चार को आठ से काटो वन बाई टू, अब आठ दूनी सोलह वन बाई टू, यानी सी हो गया तीनों बराबर, तो इसका आंसर होगा सी। पूरा केयरफुली चेक करना पड़ता है बाबू, क्लियर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सात देख लो बाबू, क्वेश्चन नंबर सात क्या बोल रहा है,
इंटरसेक्ट, इनमें से कौन इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट कौन करता है, ए वन बाई टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन बाई बी टू, वही इंटरसेक्ट करता है ना, यही ना कटेगा, इंटरसेक्ट कटेगा इसी का। तो देखो तो बाबू, पाँच है यहाँ दस है यानी वन बाई टू, और तीन है छः है वन बाई टू, बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर हो जा रहा है। फिर देखो पाँच बाई पंद्रह वन बाई थ्री, तीन बाई नौ वन बाई थ्री, ये भी बराबर हो जा रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए। पाँच बाई तीन, पाँच बाई तीन और तीन बाई दो, बराबर होगा नहीं होगा, यानी आंसर हो गया मेरा सी। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन पे सेट करते हैं बाबू, कंडीशन पे। आ रहा बात समझ में? आठ नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन जो है इसमें के का वैल्यू निकालना है, आठ नंबर क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा के का वैल्यू, समझो बाबू। यहाँ क्या, 3x माइनस वाई प्लस फाइव बराबर जीरो है, यहाँ देखो 3x माइनस वाई प्लस फाइव बराबर है जीरो, और यहाँ है 6x, 6x माइनस टू वाई प्लस के बराबर है जीरो, है ना। हमको k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखो कंडीशन देगा, देखो नो सॉल्यूशन बोल रहा है। नो सॉल्यूशन का मतलब दो गो बराबर, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, ए वन बाई ए टू बराबर होना चाहिए बी वन बाई बी टू के, लेकिन सी वन बाई सी टू हर हालत में बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही नो सॉल्यूशन होता है, क्लियर। तो देखो तो बाबू, थ्री बाई सिक्स यानी वन बाई टू, ई माइनस कट गया, यहाँ कुछ नहीं है तो वन ही है, वन बाई टू यानी हर हालत में वन बाई टू नहीं होना चाहिए। तो अगर के की जगह दस बैठा दें तो वन बाई टू तो हो जाएगा, तो दस नहीं होना चाहिए, दस छोड़ के चाहे जो भी है चलेगा, दस छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर, एक डाल दो तो भी चलेगा, है ना, दस डाल दो तो गड़बड़ा जाएगा, तो कौन नहीं यूज होगा, यहाँ दस डाल दोगे तब ना वन बाई टू होगा, नौ डालोगे तो भी वन बाई टू नहीं होगा, आठ डालोगे सात डालोगे, मतलब दुनिया का सब नंबर डालना, किसको छोड़ के, दस छोड़ के, क्योंकि वन बाई टू नहीं होना चाहिए, तो दस छोड़ के, नोट इक्वल टू दस, दस नहीं होना चाहिए, क्लियर। ऐसे आंसर तो वन भी सही है, लेकिन सबसे सही है डी, दस नहीं होना चाहिए। अब एक लो या पाँच लो या सात लो, दस नहीं लेना है, तो सबसे करेक्ट है डी। ऐसा नहीं कि बी गलत है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये आप बनाओगे तो गलत ही होगा, क्योंकि सबसे सही है यहाँ के नोट इक्वल टू टेन, क्लियर है। नौ नंबर का क्वेश्चन देख लो बाबू, नौ नंबर का क्वेश्चन बोलता है, नौ नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी के का वैल्यू निकालिए, इसमें भी के का वैल्यू निकालिए। के का वैल्यू जानते हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, के का वैल्यू निकालिए, है ना। चलो तो इसमें देखो तो क्वेश्चन क्या, इसमें भी बोल रहा नो सॉल्यूशन, सेम प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ है नौ एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस के, है ना, 9x माइनस सिक्स वाई प्लस के, और दूसरा देखो तो क्या है, ये वाला 3x, नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो इसमें भी नो सॉल्यूशन है, तो देखो तो तीन बाई नौ वन बाई थ्री, माइनस माइनस खत्म, दो बाई छः वन बाई थ्री, तो सात बाई कितना वन बाई थ्री नहीं होना चाहिए, यानी इक्कीस नहीं होना चाहिए, 21 पुट कर दोगे तो 1 बाई थ्री हो जाएगा। तो देखो बाबू, 21 नहीं होना चाहिए। अगर बोलता इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो भाई तीनों बराबर होना चाहिए, फिर 21 हो जाता आंसर, फिर ये हो जाता आंसर, लेकिन हमको बोल रहा नो सॉल्यूशन, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वही वाला है बाबू, लेकिन इसमें कंडीशन चेंज कर दिया, इसमें बोल दिया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें बोल दिया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ देखो हिंदी में अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी तीनों बराबर होना चाहिए हर हालत में। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन, 9x माइनस सिक्स वाई प्लस के बराबर जीरो, यही है ना,
तो हमको हर हालत में तीनों बराबर होना चाहिए। तो देखो तो 3/9 1/3, माइनस माइनस खत्म, 2/6 1/3, तो 7/7 कितना करेगा 1/3 होना चाहिए, 21। आ रहा बात समझ में? देखो इसमें 21 नहीं होगा, 9 और 10 एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन अंतर समझ में आया क्या है? इसमें बोला था नो सॉल्यूशन, तो 21 नहीं होना चाहिए था, और इसमें बोल रहा था कि इन्फिनेटली सॉल्यूशन है तो 21 ही होगा। क्लियर? दोनों में उम्मीद करते हैं आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब बराबर होना नहीं चाहिए एक भी, है ना, पहला वाला ही बराबर नहीं होना चाहिए कि एक्स प्लस 5y प्लस 7। अब देखो 2y के बराबर नहीं होना चाहिए -3/5 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो फिलहाल हम अगर बराबर मान लेते हैं तो देखो तो k का वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस करो तो बाबू k को -3 से गुना, तो -3k और 2 5 10, है ना, तो k का वैल्यू 10, -3 यहाँ चला गया, 3 माइनस में, तो ये अगर k का वैल्यू आए पुट करोगे तो बराबर हो जाएगा, हमको तो बराबर नहीं चाहिए तो नॉट इक्वल टू, है ना। देखो यहाँ सी हो गया, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बाबू, सुनो आपको मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, दूसरा तीसरा अपने से बन जाना चाहिए तब मतलब आपको समझ में आ रहा है। ऐसे सबसे पहले आप मेरा चैप्टर वाला वीडियो देख लेना, ये तो प्रैक्टिस सेट है। फिर क्या है देखो, 6x + ky = 28, हमको बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये ही दो को बराबर नहीं होना चाहिए, 3/6 यानी 1/2, तो -4 है, अगर यहाँ गलती से -8 हो गया तो फिर तो 1/2 हो जाएगा, तो -8 नहीं होना चाहिए, देख लो यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 13 नंबर में क्या बोल रहा है बताइए, बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यानी फिर से वैसा ही। तो देखो बाबू 5x - 2y = 11 और 3x + ky = 17, तो हमको तो यही दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 5/3 है, 5/3, और ये है -2y के बराबर नहीं होना चाहिए, हम बराबर मान के बना रहे हैं, उसके बाद नॉट इक्वल टू डाल देंगे, या ऐसी नॉट इक्वल टू अभी भी डाल सकते हो, तो k को 5 से गुना, 5k 3 को 2 से गुना, माइनस वाला 6, तो k बराबर -6, 5 नीचे, यहाँ नॉट इक्वल टू, है ना, -6/5, देखो यहाँ है ना, बहुत आसानी से बना लोगे बाबू, खाली फार्मूला ध्यान आना चाहिए। इसमें देखो ये अलग टाइप हो गया, इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने का 2-3 तरीका है बाबू। एक तो सीधे वैल्यू पुट कर दो दोनों इक्वेशन में, x - y = 0 है और 2x - y = 2 है। देखो बाबू पहले x है फिर y है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, पुट करके देखते हैं बाबू। पहला में x - y = 0, तो 3 में x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 3, तो 3 में 3 गया 0 होता है, तो पहला पे तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा पे चेक करो, पुट करो 3 × 2 = 6 और यहाँ 3, 6 में 3 गया 3 नहीं हो रहा है, तो पहला नहीं होगा सही। दूसरा बाबू 2,2 मानो, तो 2 यहाँ पुट किए, 2 में 2 गया 0 और यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, 2 × 2 = 4, 4 में 2 घट गया 2 आ गया ना, तो बी हो गया। डायरेक्टली बना सकते हो बाबू, पुट करो, अगर सेटिस्फाई कर गया दोनों कंडीशन में तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो बाबू, 15 सेम है, उसी तरह एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। मान लो हम मान लिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 है, मतलब जोड़ने से होना चाहिए 12, तो 7 और 5 = 12, 9 और 3 = 12, 8 और 4 = 12, 4 और 8 = 12, तो पहला सेटिस्फाई तो सारा ऑप्शन कर जा रहा है। दूसरा चेक करो तो एक्स में वाई घटाने से 4 आना चाहिए, तो बाबू एक्स का वैल्यू अगर 7 मानोगे तो 7 में 5 घटाओगे तो 2 आएगा, 4 तो नहीं आएगा, तो पहला तो होगा नहीं। 9 में 3 घटाओगे 6 आएगा, 8 में 4 घटाओगे 4 आएगा, तो सी हो गया आंसर। समझ में आ रहा कैसे आंसर निकालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन है हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो बाबू लगभग हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ऑप्शन पुट करके, कंपटीशन में इसी तरीके से बनाया जाता है बाबू।
उतना तुम बनाओगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो हालत खराब हो जाएगा बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर, इसको कैसे बनाओगे, 2x प्लस 3y बराबर है 22, तो x का वैल्यू मान लो 4, y का वैल्यू मान लो 5, पुट करो तो 4 पुट किए तो 4 दुनी 8, 5 पुट किए 5 दिया 15, 15 और 8 23 होता, लेकिन यहाँ तो 22 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 3 और 5 पुट करके देखो तो बाबू 3 दुनी 6, अब 5 पुट करो तो 5 दिया 15, 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21 होता है, लेकिन यहाँ तो 22 बोल रहा है, यानी ये भी गलत है। सी पुट करो, 5 दुनी 10 और 4 पुट किए, 4 दिया 12, 22, पहला पे सेटिस्फाई किया तो दूसरों पे चेक कर लेना बाबू, है ना, ज़्यादा शॉर्टकट में गड़बड़ा जाएगा। तो 5 दिया 15, 4 दुनी 8, 15 में 8 घटाओ 7 आ गया, यानी मेरा सी हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा कैसे बनाते हैं, क्लियर? कितना टाइम लग रहा है, बहुत आराम से बन जा रहा है। तो 17 नंबर बाबू आप लोग खुद से बना लोगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल बना लोगे, है ना। मैं अब लगातार वैसे नहीं करूंगा, जो एक टाइप का रहेगा छोड़ते जाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफी बेस्ट क्वेश्चन है ना, और इसको जो है हम लोग पार्ट टू वीडियो में देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग पार्ट टू वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, सपोर्ट करो, लर्निंग ऐप से जुड़ जाओ, नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।